और हम लोग देख लेते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। इसमें क्या होता है, अगर हम लोग बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, इफ़ ए ऑफ ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए, मतलब कोई ऐसा मैट्रिक्स हो जिसका ट्रांसपोज उसके रियल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। जैसे कि अगर एग्जांपल देखें यहाँ पे, ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसका अगर ट्रांसपोज निकाल लें हम लोग, ट्रांसपोज निकालने के बावजूद ये मैट्रिक्स क्या आएगी, सेम आएगी। मतलब कि देखते हैं एक बार ट्रांसपोज निकाल के, अगर इसका ट्रांसपोज निकाल दो क्या करना होता है हम लोग को, रो को कॉलम के साथ चेंज करना होता है। इसको ऐसे 1 4 3 लिख सकते हैं इसको, फिर इसको लिखेंगे 4 5 6, और इसको जब लिखेंगे तो क्या आएगा 3 6 1। अब अगर हम लोग कंपेयर करें दोनों को, तो पहला रो देखे तो सेम है, सेकेंड रो देखे तो सेम है, थर्ड रो भी देखे वो भी सेम है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ट्रांसपोज निकालने के बावजूद ये जो मैट्रिक्स है वो चेंज नहीं हो रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, बस यहाँ पे अगर ये जो कंडीशन लिखा है किसके लिए लिखा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, तो इसको जब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई मैट्रिक्स है उसका हम लोग क्या करते हैं ट्रांसपोज निकालते हैं, तो वो अपने रियल मैट्रिक्स के निगेटिव के इक्वल आ जाता है। एक एग्जाम्पल देखते हैं, तो ये एक ऐसी मैट्रिक्स है अगर इसका हम लोग क्या लें, ट्रांसपोज लें, तो उसके इस सेम मैट्रिक्स के निगेटिव के साथ ही आ जाएगा। एक बार देखते हैं क्या बोल रहे हैं ये, अगर ए में से हम लोग ए का ट्रांसपोज निकाल लें यहाँ पे, तो रो को कॉलम के साथ चेंज करना है, करते हैं, इसको क्या लिखेंगे 0 AB, इसको क्या लिखेंगे -A 0 C, लास्ट वाले क्या लिखेंगे -B C 0। इतना क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग इसको इसको जब कंपेयर करेंगे देख रहे हैं सेम अभी नहीं आया, जबकि यहाँ पे लिखा था कि सेम आना चाहिए निगेटिव साइन के साथ। तो यहाँ पे एक निगेटिव साइन अगर लगाते हैं देखते हैं सेम आ जाता है, तो मतलब ये ट्रू है, मतलब ये एग्जाम्पल जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर यहाँ निगेटिव लगाएं तो अंदर भी निगेटिव जाएगा हर एक एलिमेंट पे, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव। तो जितने पॉजिटिव एलिमेंट निगेटिव हो जाएंगे, जितने निगेटिव एलिमेंट क्या हो जाएंगे पॉजिटिव हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या, हमें लैब अगर कंपेयर कर रहे हैं इसको, तो क्या आ रहा है सेम आ रहा है, ये अंदर की वैल्यू सेम आ रही है, बस बाहर क्या लगाने पर, निगेटिव लगाने पर ट्रांसपोज लेने के बावजूद। तो ये क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स।